नमस्कार, शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पे जो है जनरली हम यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो चैप्टर है हमारा, उसको यहाँ पे हम आज बेसिक लेवल से डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे जो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए और शेयर जरूर करना वीडियो को और लाइक जरूर करना वीडियो को। एंड आपको बता दूं कि आपके लिए दिवाली धमाका ऑफर जो आ चुका है, कॉम्बो पैक यहां पे आ चुका है। जो भी बच्चा हिमाचल प्रदेश पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा एचपी टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा एचपी टेट बायोलॉजी की तैयारी कर रहा है, तो वो आज ही जाओ ज्वाइन कर ले। दिवाली ऑफर जाओ स्टार्ट हो चुका है और दिवाली ऑफर में आपको यहाँ पे 37% ऑफ यहाँ पे जाओ मिल रहा है। ठीक है, तो आज ही आप जाओ ज्वाइन कर लीजिए हमारे कोर्स में। कोर्स को आपने ज्वाइन कैसे करना है, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाओ जो हमारी एप्लीकेशन है शुभम जी के ट्रिक, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपने अपने व्हाट्सएप नंबर से एनरोल जरूर करना है। व्हाट्सएप नंबर से जब आप व्हाट्सएप नंबर से एनरोल करोगे तो आपने स्टोर सेक्शन में जाना है। वहां पे आपको बायोलॉजी कोर्स फॉर एचपी टीजीटी एचपी टेट नाम से आपको वहां पे जाओ कोर्स मिलेगा। उसमें आपको ओनली बायोलॉजी यहाँ पे मिलेगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे होने वाले हैं। तो आप लोग सभी जो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस कोर्स में। जो कोर्स का जो लिंक डाला हुआ है मैंने, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। 9459859707 इस नंबर पे आप मुझे संपर्क यहाँ पे कर सकते हैं कोर्स के लिए। और अब आपको ये कोर्स जाओ 500 रुपीज का यहाँ पे जाओ पढ़ने वाला है, यानी कि 37% आपको ऑफ यहाँ पे जाओ अब कोर्स जाओ रहने वाला है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपको इंडिया जीके के नोट्स भी मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश जीके के नोट्स भी मिलेंगे, बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, साइकोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स भी आपको यहाँ पे जाओ देखने को मिलेंगे। तो आप उनको भी जाओ पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं आप उनको भी, उन नोट्स को भी जाओ रीड यहाँ पे जाओ कर सकते हैं। ठीक है, शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन में आपको ये सब कुछ जाओ मिलने वाला है। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दिया है मैंने आपकी, प्लीज एक बार लाइक जरूर करना वीडियो को। पहला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू, बायोडाइवर्सिटी आप किसको कह रहे हैं, किसको रेफर यहाँ पे, किस स्टेटमेंट को रेफर कर रही है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी। याद रखना है जो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी वो डब्ल्यू जी रोजन ने दी थी, किसी थी डब्ल्यू जी रोजन ने दी थी। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, जहां पे आपको डिफरेंट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के, तो वो क्या है आपकी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, द वैरायटी ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स इन अ रीजन इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। ठीक है, एक एक करके सभी आंसर दीजिए इसके। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में, क्या बोलते हैं आप उसको, उसको बोलते हैं आप एक्सटिंक्शन। क्या बोलते हैं आप उसको, एक्सटिंक्शन बोलते हैं। सी ऑप्शन जा बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट थ्रीट टू बायोडाइवर्सिटी, निम्न में से डायरेक्ट थ्रीट कौन सा है बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि जो पॉल्यूशन है वो डायरेक्ट थ्रीट है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के लिए। सी ऑप्शन जा बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन सीटू कंजर्वेशन मेथड, निम्न में से इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड कौन सा है, बताइए जरा इसका आंसर, पता होना चाहिए आपको सभी को। ठीक है, याद रखना है जो नेशनल पार्क है वो आपका इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड है। ठीक है, जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं ये भी आपके जाओ इन सीटू कंजर्वेशन के जाओ मेथड है।
ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपके जो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के जो मेथड होते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना, जो आपका सीड बैंक है वो आपका एक तरह से एक्स सी टू कंजर्वेशन होता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं दोबारा से। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं, वैसे तो मैं बिल्कुल सही हूं। जो आपका नेचुरल रिजर्व्स हैं वो भी इसमें ही आते हैं आपके। ठीक है, जो सेक्रेट ग्रुप्स हैं वो भी इसमें ही आते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपके XC2 इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन इज नॉट लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो सीड बैंक जो आपके इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में जो नहीं आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी जाओ सारे की सारी जाओ इसी में आ रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। निम्न में से एंडेमिक स्पीशीज का जो एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीशीज का एग्जाम्पल कौन सा है। देखिए, आपको ध्यान देना है कि जो आपका कोमोडो ड्रैगन है, कोमोडो ड्रैगन है जिसको आप क्या बोलते हो, वेरनस कोमोडेंसिस बोलते हो, वो आपका एंडेमिक स्पीशीज का जो एग्जाम्पल है। सी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन XC2 कंजर्वेशन मेथड। XC2 कंजर्वेशन मेथड में क्या कौन सा आता है बताइए। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व आपका जनरली आपको देखने को मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में। ठीक है, नेशनल पार्क आपको इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में देखने को मिलेगा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, वैसे तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में भी यहाँ पे होगा, लेकिन मैं जैसे सीड बैंक होते हैं, फील्ड जीन बैंक हो गए यहाँ पे। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन की जब टेक्निक्स होती है जहाँ पे, म्यूजियम्स हो गए, वो सब आपके जो XC2 कंजर्वेशन में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है, जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं आपके वो आपके जाओ किस में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके XC2 कंजर्वेशन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बॉटनिकल गार्डन को छोड़ देते हैं यहाँ पे, बॉटनिकल गार्डन आपका XC2 कंजर्वेशन में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द लॉस ऑफ अ स्पीशीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया बट नॉट फ्रॉम द एंटायर प्लैनेट इज कॉल्ड एज, क्या बोल लेंगे उसको, कि एक पर्टिकुलर एरिया में से जाओ लॉस हो रहा है स्पीशीज का, बट पूरे प्लेनेट में से, एंटायर प्लेनेट में से जाओ लॉस नहीं हो रहा है स्पीशीज का, क्या बोलेंगे आप उसको। तो सिंपल ध्यान देना है, उसको क्या बोलेंगे आप, एक्सटर्पेशन बोलेंगे, एक्सटर्पेशन। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज बाय सोशियोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जाओ किस जाओ सोशियो बायोलॉजिस्ट द्वारा जो पॉपुलराइज की गई थी टर्म, कौन से जो सोशियो बायोलॉजिस्ट द्वारा जो ये पॉपुलराइज की गई थी टर्म, तो याद रखना है एडवर्ड विल्सन, बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पाई चार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स गिवन बिलो ए इज कवर्ड बाय, देखिए ये आपको पाई चार्ट दे रखा है जिसमें आपको जो वर्टिब्रेट्स यहाँ पे पाई चार्ट दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है एम्फीबियंस भी है, रेप्टाइल्स भी है, बर्ड्स भी है, मैमल्स भी है, यानी कि ये क्या हो गया आपके सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, तो ए वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या ए वाला कौन रिप्रेजेंट करेगा, याद रखना है फिशेस यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, वर्टिब्रेट्स है ना सारे के सारे, तो याद रखना फिशेस इसको रिप्रेजेंट कर रही है आप, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए लॉगरिथमिक स्केल के अनुसार जाओ जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में है, तो वो किस रिलेशन से डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो वो लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए से वो डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन जा बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको इसमें समझ आया होंगे कुछ।
जहां पे गलतियां थी वो मैं आपको बता दिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो जू है आपका, जूलॉजिकल पार्क है, वो एक्सिचू कंजर्वेशन में है, ठीक है, याद रखना है। और जो बॉटनिकल गार्डन है आपके, यहाँ पे जाओ, वो आपका एक्सिचू कंजर्वेशन में ही आता है। तो सीड बैंक और बॉटनिकल गार्डन आपके एक्सिचू कंजर्वेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आई बात समझ में। तो अगर आप लोगों ने अभी भी दिवाली जो हमारा कॉम्बो पैक है उसको जाओ नहीं लिया है, एचपी टीजीटी, एचपी पीजीटी और एचपी टेट बायोलॉजी के लिए, तो आप लोग आज ही जाओ इस दिवाली कॉम्बो पैक को परचेज जाओ कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहां पे जाओ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं, बेनिफिट्स यहां से आपको बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो आप आज ही जाओ ज्वाइन कीजिए हमारे इस कॉम्बो पैक को और आज ही जाओ इससे बेनिफिट आप जाओ उठा सकते हैं, ठीक है। जो स्पेशल कोर्स हमारा बायोलॉजी का, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो आप लोग आज ही जाओ ज्वाइन कीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।